लड़िए मत आप लोग, मीराबाई ने आपको याद किया है तुरंत। यहीं रुक कर कर हमारी प्रतीक्षा करना। तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। कैसे नहीं करते मीरा, आपके चरणों के स्पर्श मात्र से भी हमें इतनी तृप्ति, इतना संतोष मिलता है जितना युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करते समय भी नहीं मिलता। तुम अपना धर्म इतने अच्छे से निभा रहे हो ये जानकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। अपने कर्म और धर्म इन दोनों को निभाने से कभी झिझकना नहीं चाहिए। पिछली बार भी जब हमें आपसे मिलने का सौभाग्य मिला था आपने हमसे यही कहा था मीरा, तब से लेकर आज तक हमने आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास किया है और यहाँ तक कि हमने द्वारका में भी अपना धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। मीरा माँ, हमने तो बस तुम्हारी मन की जानी और उसे तुम तक पहुँचाने का प्रयास किया। नहीं मीरा माँ, आपने इससे भी बढ़कर हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आपने हर क्षण हमारी रक्षा की है। जब जब हम युद्ध क्षेत्र में शक्तिशाली शत्रुओं के बीच घिरे हैं आपने ही हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालकर हमें एक नया जीवन दिया है। तुम मेवाड़ से यहाँ तक बस यही बताने के लिए आए थे? हाँ, और हम आपसे कुछ मांगना भी चाहते हैं मेरा मां। भला हम क्या दे सकते हैं आपको? हम ठहरे एक जोगर, हम तो स्वयं अपने कृष्ण भक्तों के उपकारों पर जी रहे हैं। परंतु मीरा माँ, हम जो चाहते हैं वो आप ही हमें दे सकते हैं। हम जानते हैं कि तुम हमसे क्या चाहते हो, परंतु हम तुम्हें वो दे नहीं सकते। मीरा माँ, कर दीजिए ना उन्हें क्षमा जिन्होंने आपकी भक्ति को नहीं समझा। हमारे पूर्वजों के जघन्य अपराधों का दंड पूरे मेवाड़ ने भोगा है मीरा माँ, क्षमा कर दीजिए और आप हमें और हमारे परिवार को, हमारे पूरे मेवाड़ को फिर से वापस लौटकर धन्य कर दीजिए मीरा माँ। प्रताप, हम अपने परिवार के आभारी हैं जिन्होंने कृष्ण के इतने निकट हमें पहुंचा दिया। मेवाड़ राजघराने की बहू होने पर हमें गर्व है। हम चाहकर भी आजीवन उनका ऋण नहीं चुका सकते। तो फिर मीरा माँ वापस चलिए ना, वहाँ सब आपकी राह देख रहे हैं। नहीं प्रताप, अब हमारा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित हो चुका है। अब से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं मीरा माँ, वापस लौट चलिए घर। मीरा माँ, हमने तो सुना है कि आपके द्वार पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, फिर आप हमें खाली हाथ जाने के लिए क्यों कह रही है मीरा माँ? जैसे आपने अपने द्वारका को अपनी भक्ति के रस में डुबाया है, वैसे ही मेवाड़ भी आपकी भक्ति के रस में डूबना चाहता है मीरा माँ। हमारा तो इतना भर स्वार्थ है कि यदि आप वहाँ हमारे साथ हमारी रानी माँ बनकर रहेंगी तो मेवाड़ के साथ साथ हम सब पर भी आपकी भक्ति से सौभाग्य की वर्षा हो जाएगी। मीरा माँ, ना मत भूलिएगा। उठो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि हम अपने घर लौट जाएं तो हम अपने घर लौट जाएंगे। सच में मीरा माँ? हाँ, अब हमें भी लगता है कि हमारे घर का मार्ग दिखाने के लिए प्रभु ने तुम्हें ही चुना है।
पर अब हमें भी आभास हो रहा है कि हमारा समय आ गया। कोटी कोटी धन्यवाद मीरा माँ, कोटी कोटी धन्यवाद। चलिए हम इसी समय अपने घर के लिए चल पड़ते हैं, चलिए। हाँ, किंतु घर जाने से पहले हम कुछ समय अपने गिरधर गोपाल के साथ बिताना चाहते हैं। जैसे आपकी इच्छा। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम सदैव अपने धर्म पर अधिक रहो, तुम्हें यश मिले, कीर्ति मिले, कल्याण हो तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। शीघ्र उद्यान से सफेद फूल लेकर आओ। और ये क्या, यहाँ पर फूलों की मालाएं बहुत कम लगी है, ऐसे सजावट करोगे आप? यहाँ पर लेकर आओ वो सारे फूल। ध्यान रहे, रथ मेवाड़ की सीमा पर समय से पूर्व ही पहुँच जाना चाहिए, उन्हें एक पल भी प्रतीक्षा करने का कष्ट ना हो। ये फूल वहाँ पर लगवा, ठीक है? स्वागत की तैयारियाँ कैसी चल रही? बहुत अच्छे से रहना चाहिए। किसके स्वागत की तैयारियाँ हो रही है इतने धूमधाम से? मामरक जी, आप यहाँ? खम्मा गणी राणा जी। गणी खम्मा, आइए। अरे, ये नन्ना अतिथि भी आया है यहाँ पर, हमने तो देखा ही नहीं, कितना प्यारा है। आइए मामरक, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है, आपको निमंत्रण देने आए। यदि आप नहीं होते तो हमारा पुत्र जन्म ही नहीं ले पाता, इसके नामकरण संस्कार में आपको आना ही पड़ेगा, और कुंवर प्रताप को भी अवश्य लेकर आइएगा। इतना कुछ सुना है उनके बारे में किंतु कभी उनसे मिले ही नहीं। वैसे कुंवर प्रताप है कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहे? कुंवर प्रताप है नहीं, मीरा भाभी को द्वारका से मेवाड़ लाने के लिए गए हैं। मीरा माँ को? हाँ, उन्हीं के स्वागत की तैयारियां चल रही है सब। वैसे भी कुछ देर पहले ही समाचार आया है कि कुंवर प्रताप मीरा भाभी से मिल चुके हैं, और मीरा भाभी ने उनका आग्रह स्वीकार भी कर लिया है और घर वापस लौटने की स्वीकृति भी दे दी है। जल्दी वो दोनों आते हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा समाचार सुनने को मिला, किंतु ये चमत्कार, ये कैसे हुआ? ये सब हम बाद में बताएंगे विस्तार से, अभी भीतर चलिए, आइए। जी राज, आप रात भर के जगे हैं, अभी तनिक विश्राम कर लीजिए। मीरा माँ जैसे ही ध्यान करके बाहर आएंगी मैं आपको जगा दूंगा। नहीं राज पुरोहित जी, हम ठीक हैं, और पता नहीं क्यों हमें कोई थकान नहीं हो रही। अब तक कान्हा के कष्ट से बाहर नहीं आए, इस समय तक तो प्रतिदिन वो भोर वाली आरती आरंभ कर देती हैं। फिर आज क्या विशेष बात है, हम भीतर जाकर देखते हैं। नहीं नहीं बाबूजी राज, आप भीतर कैसे? नहीं पंडित जी, जाने दीजिए इन्हें। तो मीरा माँ का एक तारा है, परंतु मीरा माँ कहाँ है? सुनिए,
आप में से किसी ने मीरामा को कहीं जाते हुए देखा है? किस ओर गई है वे, बताइए ना। किसी ने भी मीरामा को जाते नहीं देखा। मीरामा अचानक अंतर्ध्यान कैसे हो सकती है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मीरामा, 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 कहाँ है आप? मीरामा, 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 कहाँ है आप? मीरामा, 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 कहाँ है आप? मीरामा, राजपुरोहित जी, हम वहां मीरामा को खोज रहे हैं और आप यहां शांति से खड़े? निभा दिया मीराबाई ने आपको दिया हुआ वचन बावजी राज। क्या? परंतु मीरामा ने तो हमें वापस घर लौटने का वचन दिया था। अपने घर ही तो गई हैं वे, अपने कृष्ण के पास, हरि के धाम। मन और आत्मा तो बहुत पहले ही समर्पित कर चुकी थी वे कृष्ण को, किंतु आज मीराबाई का कृष्ण के साथ संपूर्ण मिलन हुआ है बाजीराज। विलीन हो गई है वे कृष्ण में। किंतु ये शोक मनाने का समय नहीं है बाजीराज, ये तो आनंद मनाने का समय है। कृष्ण में विलीन होकर मीराबाई ने आज अपनी भक्ति को साकार कर दिया है। एक सच्चे भक्त की आत्मा और उसके शरीर दोनों का आज उसके आराध्य श्री कृष्ण में विलीन होने का चमत्कारी क्षण है बाजीराव। यदि हम मीरामा से वापस घर लौटने की हट नहीं करते, मीरामा कभी ऐसे समाधि नहीं लेती। आपके इसी हट ने आपको मीराबाई के जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया है बाबूजी राज। आप मीराबाई और उनके आराध्य श्री कृष्ण के मिलन के कारण बने हैं। अब तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितनी उत्कंठा आपको थी ना मीराबाई के दर्शन की, उतनी ही उत्कंठा मीराबाई को भी रही होगी आपके यहां आने की। ये सब भगवान कृष्ण की लीला है बाबूजी राज, और हम सब तो बस पात्र हैं। हम कृष्ण जी की इस मूर्ति को चित्तौड़ के राजमहल में रखेंगे, और जो सम्मान मीरामा को नहीं दे पाए वो सम्मान हम उनकी इस प्रिय मूर्ति को देंगे। जैसी आपकी इच्छा। राज घराने की मान मर्यादा की रक्षा के लिए हम आपको आदेश देते हैं कि आप जल्द समाधि ले लें। हमने सारा द्वारका छान मारा और आप यहाँ छुपकर बैठे हैं। आइए हम आपको मीरामा का मंदिर दिखाते हैं। दिखाइए ना, हमसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। वैसे धीरबाई जी कहाँ है? जब से हम आए हैं तब से दिखाई नहीं दी।
यूँ समझ लीजिए हंसा भाई जी, धीर भाई जी हमारे बीच रहकर भी हमारे साथ नहीं है। हम आपका दुख समझ सकते हैं। आइए पहले हम चलकर मंदिर देखते हैं। आइए चलिए। चलो चलो चलो, कम से कम हमारी ललकार की इज्जत करने के लिए ही सामना कर लो हमारे, वरना हमें लगेगा कि इतने वर्षों बाद तो हमें कोई ऐसा दुश्मन मिला था जिसे हमने मुकाबले के लायक समझा, और वो भी एक डरा हुआ सहमा सा चूहा निकला। आपने सुना हमने अभी अभी क्या कहा? एक डरा हुआ सहमा सा चूहा, एक चूहा कहा हमने आपको। आंसू वैसे ये कुछ अजीब लग रहा है, मतलब आप जैसा इंसान और रो रहा है, बात कुछ समझ में नहीं आई, क्या हुआ? मीरा माँ नहीं रही, वे चली गई सदा सदा की। चली गई मतलब क्या रहे हो आप? अपने कान्हा जी में समा ही हो गई थी सदा की। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो मिले थे हम उनसे। सच यही है कि वे हमें छोड़कर चली गई, समाधि ले ली उन्होंने। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने मीरा माँ से कहा था कि आपको हमारे साथ हमारे घर चलना पड़ेगा, हमारे मेहमान। और वे चली गई। राजपुरोहित जी कहते हैं कि मीरा माँ अपने घर ही तो गई है, अपने कान्हा जी के समक्ष बहुत बहुत सुखी है देवा, परंतु हम राजपुरोहित जी से सहमत नहीं है, क्योंकि हम चाहते थे कि मेरा माँ हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे। आप ही बोलिए, क्या आपको मीरा माँ की कमी अनुभव नहीं होगी कभी? हम भी किस हृदयहीन योद्धा से सहानुभूति की अपेक्षा कर रहे थे। तो आप हमसे अपने आंसू छिपाने के लिए दूर भाग रहे थे। आपको क्या लगता है कि हम रो रहे हैं? अपने बारे में सोचो, सोचो कैसे सहोगे आप मीराबाई की कमी को। देखो हमारी मंशा आपका कष्ट बढ़ाने की नहीं थी, देख लेना बहुत जल्द जल्द ये जो कमी है ना मीराबाई की, ये कमी ही आपको एक नया बल देगी, और फिर आप जो यहाँ एक खालीपन महसूस कर रहे हैं ना, भर जाएगा ये, और फिर आप मीराबाई को अपने इतना करीब पाओगे, इतना करीब पाओगे जितना कि आपने कभी खुद को उनके साथ भी महसूस नहीं किया होगा। देख ले, यकीन करो हम। वो क्या है ये जो ऊपर वाला है ना, वो देगा आपको इस खालीपन से निबटने की ताकत, और फिर आपको पता चलेगा कि किसी को अपने करीब महसूस करने के लिए जरूरी नहीं है
कि वो अपने पास ही हो और फिर वैसे भी आपके पास तो उनका ये दिया हुआ उपहार भी है, ये कृष्ण जी की मूर्ति जिनकी उन्होंने बरसों पूजा की, इसमें जरूर उनका आशीर्वाद होगा। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि आप किसी अपनों को खोने के बारे में इतना कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने भी अपने पिता को खोया है, पर समय के साथ उनके जाने का दुख थोड़ा कम हो गया। फिर हमें पता चला कि वो तो सदा हमारे साथ हमारे पास है। अब हमें उनकी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए वो सदा हमारे साथ आता। अरे वाह, बहुत सुंदर सजाया है आपने मंदिर। देख लेना, जब मीरा माँ इधर आएंगी ना, तो उनका तो मन ही नहीं करेगा यहाँ से पांव बाहर रखने का। हमारे लिए तो बड़ी बात यही है कि मीरा भाभी यहाँ महल में हमारे साथ रहे। उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि वे कुंवर प्रताप के कहने से वापस अपने घर मेवाड़ लौट रही हैं। फिर चाहे यहाँ अपने मंदिर में सारा समय बिताए या अपने भक्तों के साथ, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम बहुत प्रसन्न हैं, आपके कारण अनायास ही हमारा पूरा परिवार मीरा माँ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेगा। कम से कम हमारे सामने तो पूरा परिवार मत कहिए हंसा भाई जी। आपके कुंवर जी अभी कुछ ही दिनों के हैं, फिर भी यहाँ हमसे मिलने आ भी गए, किंतु आपके बेटे अजब थे, वो तो हमारे कुंवर प्रताप के आयु की ही है, फिर भी आज तक हम उनसे नहीं मिले। चलिए ना, कृष्ण मुरारी जी के लिए फूलों की माला नहीं बनानी क्या? चलिए आइए। चलिए माम रक्षी, आप जब मीरा माँ से मिले थे तब उन्होंने आपको कोई खास इच्छा बताई थी? उन्होंने हमसे कहा था कि कभी भी अपने धर्म के मार्ग से अलग मत होना। हमें हमारे पिताजी ने कुछ ऐसा ही कहा था। हम चाहते हैं कि आप हमारा ये ख्वाब जरूर पूरा करें जलाल, और सारे हिंदुस्तान में मुगलिया परचम फहराने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके सामने आएगी वो राजपूतों से आएगी। और उनकी अंतिम इच्छा को हमने अपना धर्म बना लिया, और अब उसी धर्म को हम पूरा करेंगे। देखा, आप फिर वैसे ही देख रहे हैं जैसे हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। देख रहे हैं जो आप सचमुच दिख रहे हैं वैसे है नहीं। आपकी इन दो चार बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कुछ ही दिनों में अपने इस दुख से उभर कर धन का एक नया मार्ग फिर से ढूंढ पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो खेल आप अधूरा छोड़ आए थे उसे हम पूरा नहीं करेंगे। घबराइए मत, हम भी अधूरा खेल नहीं खेलते। द्वारका की सीमा तक की यात्रा यहाँ से बहुत ही लंबी, अब तो कई अवसर आएंगे हमें अपने अधूरा खेल पूरा करने के। जयवंता, हम कितने सौभाग्यशाली हैं ना, जो आज हमें मीरा माँ की पूजा के लिए फूल घूरने का अवसर प्राप्त हुआ। सच में कुंवर प्रताप तो है ही विशिष्ट, जो कार्य आज तक कोई नहीं कर पाया वो दुरूह कार्य उन्होंने कर डाला। सभी बच्चों में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होता है। हमने सुना है आप
आपकी बेटी अजब दे भी बहुत समझदार और गुणवंती है। क्या हुआ हंसा, अजब दे का नाम लेते ही आप विचलित हो गई? सब ठीक तो है ना? क्या बात है हंसा, हमने जब कहा था कि धीर भाई जी हमारे बीच रहकर भी हमारे साथ नहीं है, तब भी आपने कहा था कि आप समझ सकती हैं इस दुख को। हाँ, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं इतने वर्षों से छुप छुप कर अपनी बेटी से अपने ही घर में मिलते रहे, क्योंकि उनके पिता के सामने अजब दे नहीं आ सकते, और इसी कारण हमारी भूल सी बच्ची को एकाकीपन रहना पड़ा। पर क्यों, क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? आपको तो पता ही है ना, बार बार गर्भ धारण करने के बाद भी हम राहुल जी को पुत्र नहीं दे पाए थे। अजब दे के जन्म से पहले जब हम गर्भवती हुए, तब हमें पता चला कि हमारे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल जी को भी लगा जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा पुत्र अवश्य ही होगा और उनकी पुरानी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। जब हमने जन्म दिया तो क्या हुआ आंसर? एक पुत्र और एक पुत्री हुए, किंतु पति जीवित नहीं था। और वो लड़की अजब दे है। अजब दे जीवित तो बच गई, किंतु राव जी ने उन्हें अपने जीवन के सभी दुर्भाग्य, सभी दुख, सभी असफलताओं का कारण उन पर मर दिया। कभी भी जो कुछ भी बुरा हुआ, उस सबका अपराधी अजब दे को बना के उन्हें हम सबके जीवन से जैसे निकाली थी, अपने ही घर में उन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। हमसे सब पूछते हैं क्यों हम उन्हें कभी किसी यात्रा पर अपने साथ नहीं लेकर जाते, कैसे जाएंगे वो हमारे साथ जबकि उनके पिता उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। आज तक कभी भी पिता से पुत्री को क्षण भर का भी प्यार और स्नेह नहीं मिला। आहा, ये तो कमाल मीठा है, एक बार चक्कर तो देखिए, बिना खाए तो आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आएगा, एक बार चखिए तो सही। नहीं नहीं, हमारा मन नहीं है। चक्कर तो देखिए, धन्यवाद देंगे हमें। लगता है आपको किसी भी बात में ना सुनने की आदत नहीं। सही समझा आपने, ये तो हमारी प्रवृत्ति में ही नहीं है। हमें तो ये भी लगा कि आप इतने उदास चल रहे हैं, गन्ने की मिठास से आपकी उदासी थोड़ी कम हो जाएगी। आपकी बात सुनकर अब हम ठीक है, हमें गन्ने की कोई आवश्यकता नहीं।
लड़का कौन है बाबूजी राज? ये तो हम स्वयं नहीं जानते राजपुरोहित जी, परंतु इतना अवश्य जानते कि कभी भी किसी से पहली बार मिलते समय जो छवि मन में बनती है, आवश्यक नहीं कि वही हमारे लिए उनकी अंतिम छवि भी हो। क्या वो जानता है कि आप कौन है? कभी कभी बिना किसी पे धरोहर का बोझ डाले मित्रता करना अच्छी बात होती है राजपूत जी, किंतु कभी कभी नितांत अनजान व्यक्ति के साथ मित्रता करना भारी बोझ भी बन जाता है बाबूजी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बराए मेहरबानी हमें ये सिखाने की गुस्ताखी मत करो शमसुद्दीन, कि हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं। और वैसे भी अब कुछ ही कोस और साथ में चलना है, फिर वो अपनी राह में और हम अपनी राह। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है ये, कैसे सूरज की रोशनी में नहा नहा खामोशी से दमकते हुए बह रही है नदी। बड़ा ही दिलकश नजारा है ये तो, हमें तो लगता है यही पड़ाव डालना चाहिए रुकने का। क्या कहते हैं? हम स्वयं यही बोलने वाले हैं। और वैसे भी संध्या की पूजा का समय भी हो गया। वहां लगता है बहुत बड़ा शाही खेमा लगा, कौन रुकने वाला है वहां? हुजूर, मैं अभी पता करता हूं। ये देखिए, ये अजब दे ने अपने हाथों से बनाया। वाह, कितना सुंदर, अद्भुत। ये तो उनके कई गुरु में से एक है। भोजन भी बहुत अच्छा बनाती हैं। और उद्यान तो बहुत ही अच्छा संवारती है। और यही नहीं, वेद पुराणों का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। बस दुख तो इसी बात का है कि उनके पिता ने कभी भी उनके गुणों को देखा ही नहीं। किंतु अजब दीन ने कभी कोई प्रश्न नहीं किया और ना ही अपने चेहरे पर कोई उलाना लाई। वो तो अच्छा है कि उनका एकाकीपन बांटने के लिए उन्हें फूल कवर जैसी सखी मिल गई। अजब दे की बचपन की सखी, मारवाड़ की राजकुमार, मारवाड़ के राजा राव मालदेव सिंह की पौत्री है। दोनों में अटूट प्रेम है, कोई दोनों को अलग नहीं कर सकता। बस कभी फूल बिजौलिया आती है तो कभी अजब दे मारवाड़ चली जाती है, यही लगा रहता है दोनों। वो कान्हा जी है ना, जब भी किसी के जीवन में खालीपन आता है वो उसे ऐसे ही भर देते हैं, इसलिए तो उन्हें करुणामयी भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तुम मारवाड़ से आ रही है अजब दे? हाँ, अभी भाई का नामकरण संस्कार है ना, तो याद आइए उन्हें घर की। फूल और अजब दे दोनों बिचौलिया के लिए मारवाड़ से निकल चुके। तो ये तमाम लोग उसी शाही खेमे का हिस्सा दिखते हैं। अपने पुत्री की मित्रता की चुगली कर रही हैं आप हमसे? भूल गई, विवाह से पहले हम दोनों भी ऐसी ही थी। आपके आंगन में मोर भी पंख झाड़ते थे तो पता चल जाता था हमें। क्या हुआ राणा जी? कुंवर प्रताप का संदेश आया था, मीरा भाभी वापस नहीं आएंगे। क्या? इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए कुछ समय तो चाहिए उन्हें। हम सब तो बस यूं ही, कोई बात नहीं, आज नहीं, कुछ समय बाद से ही। नहीं जयंता भाई जी,
मीरा भाभी अब कभी नहीं आएंगी। उन्होंने समाधि ले ली है। पता चला किसकी है वो पालखिया, वो तमाम मुसाहिब कौन है वो लोग? हुजूर, बिजोलिया और मारवाड़ की राजकुमारियां। मारवाड़? राजपुताने की सबसे ताकतवर रियासत है ना? है ना? जी हाँ, जहां पर। और किंवदंती तो ये प्रचलित है कि उस छोटी सी राजकुमारी का सौंदर्य कई कवियों की प्रेरणा का स्रोत रहा है। वाकई? पर हमने तो सुना था राजपूत राजकुमारियां सख्त पर्दा रखती हैं। सही सुना है हुजूर, किंतु सुंदरता तो इत्र की तरह होती है जो बिना दिखे ही चहु ओर अपनी खुशबू फैला देती है। अंगूठियां तो बदलना, हम उठ चुके हैं इन्हें देखते देखते। धन्यवाद पोपली। वाह, कितनी सुंदर लग रही है ये। वो पुरानी वाले तुम रख सकते हो। धन्यवाद भाई साहब। अजब देखो ना, ये देखो हमारी नई अंगूठियां। हमें पूरा करने दो ये ग्रंथ पूर्ण, जब खेमे में आएंगे तो देख लेंगे आपकी अंगूठियां। इतने सारे ग्रंथ पढ़ के करेगी क्या? ठीक है, तुम्हारी इच्छा। जब दे, अब आप ही जाओ ना, और हाँ, अपना ग्रंथ अंदर ही छोड़ के आना। चले फूल।
ये फूल हमारे लिए बिछाए गए, आप इन पर पाँव रख के चलेंगे तभी तो ये गौरवान्वित होंगे। आप जानती हैं ना फूल, मैं नहीं अच्छा लगता कोमल पुष्पों को चलना। ठीक है, आपको जैसे चलना है वैसे चलिए। चलिए इतना खूबसूरत नजारा देखे बिना कैसे रह सकते हैं आप, आइए ना आइए। बताते हैं। माशाल्लाह दिखाना क्या चाहते थे आप हमें? कहाँ गुम हो गए? अच्छा ये सुंदर खेमा और दो पालकियां, परंतु इसमें ऐसी क्या विशेष बात है? थी बात देखने लायक ही थी पर छूट गई, ना आप देख पाए उस खूबसूरती को ना हमें देखने दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? लीजिए प्रसाद ले लीजिए। मीरा माँ के समाधि के बारे में जानकर कुंवर प्रताप पर क्या बीती होगी, कैसे सह पाए होंगे वे ये सब? भले ही उन्होंने कितने ही युद्ध लड़े जीते भी हो, किंतु है तो वे एक मेरे भोले बच्चे। भाई हमें भी इसी बात का है जवंत भाई जी, कि जब कुंवर प्रताप वापस लौटेंगे तो उन्हें महलों की दीवारों में अपनी मीरा माँ की स्मृतियां दिखाई देंगी। वे फिर से एकांतवास में चले जाएंगे जैसा कृष्णा की मृत्यु पर किया था। सबसे बातचीत भी बंद की थी तब उन्होंने। हमारा एक सुझाव है, यदि आप सब माने तो जिस मनस्थिति में कुंवर प्रताप इस समय होंगे, ऐसे में यदि उन्हें नया वातावरण दिया जाए तो हो सकता है उनका मन बदले और वो जल्दी सहज हो जाए। आप उन्हें यहां ना बुलाकर सीधे बिचौलिया ही भेज दीजिए। यदि राणा जी उचित समझे तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जयंता भाई जी, इस आशय का संदेश हम अभी कुंवर प्रताप तक पहुंचाते हैं। फूल, हम आपसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, आप चल रही हैं या नहीं? उठ गए वे? उनको इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। शहंशाह हिंद है, वक्त के पीछे पीछे नहीं भागते तुम्हारी तरह, वक्त उनके पीछे भागता है।
आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम विवस्ते नमः। ओम विवस्ते नमः। हमारी किसी भी बात या किसी भी काम से का मन ना दोगे? और हाँ, हमारी सखी फूल को भी थोड़ी और बुद्धि दे दीजिए सूर्यदेव। किसी ना किसी बात पे हट करती रहती है, हमारी तो एक भी नहीं सुनते। चलिए भाई साहब, चलिए। आप में से किसी ने भी हमारी माला देखी? नहीं भाई साहब, हमने तो नहीं देखी। तो ढूंढिए। यहाँ पे तो नहीं है आपकी माला भाई साहब। हमें अच्छी तरह से पता है, जब हम नहाने के लिए गए थे वो हमारे गले में ही थी। हम जालिम जी को सूचित कर देते हैं, वो किसी को भेज देंगे आपकी माला ढूंढने के लिए। नहीं नहीं, हम इतनी देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वो काफी दूर चली जाएगी। हमें ढूंढना ही होगा उसे। कभी कभी इतना जल्दी उठना हमें हमारे खूबसूरत सपने से दूर कर देता है दोस्त। क्या आप सदा इतनी देर से उठते हैं? बिल्कुल, ये तो हमारा शौक है सपने देखने का। पहले हम सपने देखते हैं और फिर उसी सपने को सच करने की कोशिश में लग जाते हैं। तब तो अब तक आपने अपने कई सपनों को सच में बदल दिया होगा। और नहीं तो क्या। पर यहाँ इस खूबसूरत जगह पे आके रोज आने वाले सपनों से यहाँ आने वाले हमारे सपने कुछ बदल गए। उनकी सूरत बदली है, उनकी सीरत बदली है। लगता है इस समय हमें आपको अपने सपनों में विचरण करने के लिए छोड़कर अपनी पूजा पूरी कर लेनी चाहिए। चलते हैं। देखिए दादा भाई जालम, आप हमारे संबंधी हैं, हमारे भाई लगते हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। किंतु आप इसका अनुचित लाभ उठाएंगे इसकी चेष्टा कभी मत करिएगा। हमारे दाता ने आपको हमारे साथ हमारी सुरक्षा के लिए भेजा है, हमारे ऊपर अधिकार जमाने के लिए नहीं। जब हमने एक बार कह दिया कि हम नदी के पानी में स्नान करने जाएंगे, तो समझ लीजिए कि हम नदी के पानी में स्नान करने जाएंगे। आप जानती है ना कि हमने अपनी ये आंख कैसे गवाई? बताए। उस नरभक्षी शेर के हमें दोनों दांत चाहिए, और उसके बदले में अपनी ये आंख गवाना हमें बहुत ही तुच्छ लगा। ये वही दांत है। अब भी आपको लगता है कि हम किसी के आगे झुकने वाले आदमी हैं? हमने तय कर लिया है कि आपके नहाने की व्यवस्था यही खेमे में की जाएगी। अरे दादा भाई, वो अजय ने हमसे कहा था यहाँ की पवित्र नदी में स्नान करने से ना बहुत पुण्य मिलता है, और उसके लिए एक डुबकी लगाना तो आवश्यक है ना। अब आप ये तो मानेंगे ना कि अजब दी कोई भी बात यूं ही नहीं बोलती? अगर उसने ऐसा कहा है कि यहाँ की पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य मिलेगा, तो मतलब कि मिलेगा। और हम आपको वचन देते हैं कि हम बस एक डुबकी लगा के ना नदी के बाहर आ जाएंगे। और वैसे भी दादा भाई, हम अपने सुंदर केशों को नदी की काई से खराब थोड़ी करेंगे। जाएं।
देखिए। चिलमन थोड़ा और ऊपर कीजिए, हम नहीं चाहते गर्मी की इस धूप से हमारे रूप पर कोई असर पड़े। पोपली जी भाई साहब, तुमने देखा तो था ना, नदी का पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है? देखा था, पानी बिल्कुल ठंडा नहीं था। आज तो मजबदाय को दिखा देंगे कि हम भी नदी के पानी से स्नान कर सकते हैं। चलिए। राजपुरोहित जी, कितने फूल चढ़ाए हम? बाबूजी राज, भगवान फूलों की संख्या से नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी हुई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इतने वर्षों से पूजा कर ली, फिर भी आज तक हम अपने दाजीराज जैसे नियमित व्यवस्था वाली पूजा का पालन नहीं कर पाते। सदैव कुछ ना कुछ फूल हो जाते, कभी चंदन ठीक से नहीं लगता तो कभी कुमकुम रह जाता है। क्षमा करें बाबूजी राज, राणा जी पूजा अवश्य नियमित रूप से और पूरे मन लगाकर करते हैं, किंतु उस पूजा की सुचारू व्यवस्था और उसके नियमों का ध्यान रखती हैं आपकी रानी माँ, और इसे ही कहते हैं पति और पत्नी के बीच के संबंधों का आदर्श तालमेल। शास्त्रों में यही तो कहा गया है कि दोनों जीवन के प्रत्येक अंग में एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, यहाँ तक कि धार्मिक कार्यों में भी। आप भी देख लीजिएगा, जब आपकी पत्नी आएंगी तो आपकी पूजा भी नियमित हो जाएगी। क्या राजपुरोहित जी, आप भी ना, कहां की बात को कहां ले जाते हैं। हम अभी आते हैं बाबूजी राज। हमारी राह रोक ली, इनकी ये मजाल। ए लड़के, कहां बड़ा चला आ रहा है, दिखाई नहीं देता? मारवाड़ की राजकुमारी जा रही है नदी पर, उनके इतने निकट आने का दुस्साहस कैसे किया तूने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? लड़के है, तेरी ये अकड़ एक दिन तुझे बहुत महंगे पड़ेंगे, और हो सकता है कि वो दिन आज ही का हो। अगर हिम्मत है तो कर हमसे दो दो हाथ काड़े। अगर हिम्मत है तो कर हमसे दो दो हाथ काड़े। Oh!
अपनी गलती की मुआफी मांगो, वरना जैसे एक आंख गई है ना, वैसे एक हाथ भी चला जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, छोड़िए इनका हाथ। हम कहते हैं छोड़िए इनका हाथ। अब मुझे कुछ पलों का समय दीजिए श्रीमान, अब आप आइए मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं हुजूर? ये मत भूलिए कि इस समय आप छंद भेष में हैं, साधारण वेशभूषा में हैं। यदि ऐसे में आपने अपना साहस अथवा वीरता दिखाने का प्रयत्न किया तो आपका भेद खुल सकता है। अपनी हद में रहिए मियां तानसेन, मुलाजिम हैं आप हमारे, हमें सही गलत की मानी मत समझाइए। ठीक ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है कीजिए, जाइए जाइए। देखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस घटना को हम एक दुर्घटना समझकर भूल जाते हैं। है कि हमारे भतीजे थोड़े छोटे हैं, बच्चे हैं, अपनी मर्यादाओं की समझ नहीं है उन्हें। अच्छा, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आइए। वैसे मारवाड़ के क्षेत्र में क्या करने का प्रयत्न कर रहे थे आप? ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको बताने लायक हो। ये माला तो हमारी नहीं है, फिर ये हमारे गले में कैसे है? सुनो मित्र, आइए आइए, हमने अब कर ली अपनी पूजा, अब बोलिए देखना है आसपास कुछ? जी नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है। क्या हो गया? कितना ठंडा पानी! भोपली, क्या कहा था तुमने? पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है। आए हाय, कितनी मिट्टी है इसमें तो। अच्छा, तो इसमें नहाई कैसे सकती है? आप नहाने की बात कर रही हैं भाई साहब, वो तो कब से यहीं पर है। कब से? कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रही। अजब दे, आपको हो क्या गया? इतने ठंडे और गंदे पानी में कोई रह भी कैसे सकता है? इतनी देर से इसमें कर क्या रही है? बोल, हमारी माला पता नहीं कहाँ चली गई, मतलब खो गई। कौन सी? वो शिवजी वाली माला? अजब दी, जो माला आपको इतनी गोते लगाने के बाद नहीं मिली वो अब क्या मिलेगी? आप चलिए बाहर आ जाइए। नहीं भूल, हम तभी बाहर आएंगे जब तक हमें वो मिल नहीं जाती। हे भगवान, ये तो फिर ठंडे पानी में चली गई। अजब दे, यदि आप पानी के बाहर नहीं आई तो हम भी उतरेंगे पानी में। क्या सचमुच? पर तुम्हें तो नदी के पानी में आना अच्छा नहीं लगता है ना भूल? हाँ, पर आप हमें विवश कर रही हैं।
दे, अब तो बाहर आ जाइए, नहीं तो हम और भीतर आ जाएंगे। आओ फूल, आओ, हमारा विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। नहीं अजब दे, हम और भीतर नहीं आ सकते, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस गंदे ठंडे पानी में। आप आ जाइए ना। अच्छा, अच्छा नहीं लग रहा है इस पानी में, हम आते हैं तुम्हारे पास। हमें तो पहले से ही पता चल गया था कि हमारी माला नहीं मिलने वाली है, पर सोचा इसी बहाने आपका नदी से जाने वाला डर हटा दूं। अजब दे, आप अपना ध्यान और अपनी बुद्धि हमारे अतिरिक्त कहीं और भी लगा लिया कीजिए। आपके अतिरिक्त हमारा है ही कौन फूल? कैसी बात कर रही हैं अजब दे आप, हम है ना आपके लिए, और वैसे भी आपका सुनापन भरने के लिए हम अकेले पर्याप्त है। चलिए आपकी माला खोजने के लिए यहाँ एक दल भेजने की व्यवस्था करवाते हैं। नहीं फूल, अब हमारी माला नहीं मिलने वाली है। अच्छा, इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं आप ये बात? पता नहीं क्यों, लेकिन पहले से ही पता चल जाता है। फिर तो आप बहुत उदास हो जाएंगी ना, एक तो वैसे ही आपको बहुत कम चीजें पसंद आती हैं, और उनमें से एक माला भी थी। नहीं फूल, हम उदास नहीं होंगे, शिव जी ने हमें वो माला दी थी और उन्हीं ने वापस ले ली, उन्होंने हमारे भले के लिए ही तो सोचा होगा ना। हाँ हाँ, हमारी महाज्ञानी परम संतोषी सखी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हुआ होगा। तो अब हम लोग अपने खेमे में चले। नहीं, अभी तक तो आपके बाल तक गीले नहीं हुए हैं। नहीं अजब दे, हम नदी में नहीं जाएंगे। तो नदी को आपके पास ले आए। अजब दे, झूठ मत बोलिए फूल, पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है। अजब दे। अपने गले से बाहर निकालने की इतनी चेष्टा क्यों कर रहे हैं बाबूजी? हमारी नहीं है राजपुरोहित जी। फिर ये आपके गले में कहाँ छा गई? वही तो याद करने का प्रयास कर रहे हैं राजपुरोहित जी, पता नहीं कहाँ से आ गई है। हाँ राजपुरोहित जी, स्नान करते समय पानी में बहकर ये हमारे गले में आ गई थी। परंतु है किसकी ये माला? ये तो रुद्राक्ष है, शिवजी की माला। हो सकता है ये माला आपको शिवजी के आशीर्वाद के रूप में मिल गई हो, और देखिए ना, ये आपके गले से बाहर भी नहीं आ रही है। देखिए राजपुरोहित जी, आ गई ये बाहर। राजपुरोहित जी, हमारा एक नियम है, जो हमारा नहीं होता हम उसे लेते नहीं, और जो हमारा होता है हम उसे किसी को लेने देते नहीं। से अब आप ही जाइए फूल। कहता ही नहीं अजब दे, आप जानती नहीं है हम कितने आभारी हैं आपके, आपने हमारे नदी के पानी का डर से निकाल दिया। ठीक है, खेलिए, जितनी देर तक आपको नदी में खेलना है खेलिए। क्या? यही कि आप जितनी देर तक नदी में रहेंगी उतना ही कम समय आपको मिलेगा सजने संवरने के लिए। पर कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई है सजने संवरने की, खेलिए खेलिए और खेलिए नदी में। बस 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 बस, अब हमारा मन भर गया नदी के पानी से। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? यही कि आपसे कोई भी काम कराना हो, विपरीत काम ही कहना सदा उपयोगी रहता है, जो कहो उसका उल्टा करो। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक की आपने अजब दे, क्या करें, हमें मानना अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, जानते हैं हम राजकुमारी जी। हाँ हाँ, हम भी जानते हैं कि आप सब जानती हैं।
राणा जी। ये तो तय है, इससे निकलकर भागने के लिए राव सुरतन को काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, किंतु उसका जीवित निकलकर भागने में सफल होना कोई अच्छी बात नहीं है मामरख जी। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दुष्ट को हमने अपनी आंखों के सामने धरती में गड़वाया वो यहां से जीवित निकलकर भागने में सफल हो जाएगा। अवश्य ही मुगलों के पास आश्रय लेने गया होगा। मुगलों की तो आदत है ऐसे देशद्रोहियों को पालने की, देखिएगा इसको भी पालेंगे वो, ताकि एक बार फिर से वो राजपुताने पर सेंध लगा सके। शांति से तो ये मुगल रह ही नहीं सकते, सारे देश को हत्याना चाहते हैं ये, वो भी ऐसे भी बिछड़ों का सहारा लेकर। क्या बात है रावत जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? ये राणा जी, हमारे गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि दिल्ली का बादशाह जलालुद्दीन गुप्त वेश धारण करके हमारे राजपुताने में घूम रहा है। क्या? राजपुरोहित जी, हम अपने मित्र से मिलकर आते हैं। पता नहीं वे क्यों इतने अशांत और उद्विग्न दिख रहे थे, कुछ तो बात है उनके साथ। हाँ तो बाबूजी दास, संभाल कर रहिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पता नहीं क्यों, परंतु जब जब ये आपका नया मित्र आपके साथ होता है मेरे मन में आपके प्रति चिंता और व्याकुलता बढ़ जाती है। आज पुरोहित जी, आप भी हमारे दाचीराज के बाद ही हमारे लिए बहुत ही चिंता करते रहते हैं। हम अभी आते हैं। हिम्मत कैसे हुई उसे हमें रोकने की? हमें रोकेगा वो? कोई नहीं रोक सकता हमें। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है हम, शहंशाह हिंद है हम, सुनिए मित्र, आपको देख के ऐसा लगता है मानो आपने कुछ सुना। क्या बात है? देखना सुनना तो ठीक है, पर एक फल को काटने के लिए खंजर का प्रयोग शायद ही देखने मिलता है। क्या हुआ, आप इतने विस्मित क्यों दिख रहे हैं? क्या हम गलत समय पर आ गए यहाँ? अरे नहीं नहीं, आपको हमारे खेमे में आने के लिए क्या पूछना और क्या बताना, आइए आइए। और इस खंजर से तो हम बस फल काट रहे थे, ये तो हमारा पुराना शौक है, हम तो बस खेल रहे थे। अच्छा चलिए, आप खेल रहे थे, अन्यथा आप तो इतने उद्विग्न दिख रहे थे। जिसके पास आप जैसा दोस्त हो उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है, और हम तो खुद ही आने वाले थे आपके खेमे में। चलिए पास वाले गांव के हाट तक घूम के आते हैं, सुना है बड़ी नायाब चीजें मिलती है वहां, आइए। नहीं आप हो आइए, हम घर जाने की सोच रहे थे, कई काम पड़े हैं करने के लिए, बहुत उत्तरदायित्व है हमारे सर पे। अरे आप कौन से शहंशाह अकबर है जिसे सारा देश संभालना है? शहंशाह नहीं है, परंतु कुंवर प्रताप है मेवाड़। और हमारे सामने उससे भी कहीं बड़ी चुनौती, फैल जाते। हमने आपसे कहा था ना
हमारी माँ का काला वाला सूरमा रखने को? नहीं रखा ना आपने, जाइए हमें नहीं सजना। पैसा हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके लिए नया काजल बनवाते हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, हम चाहते हैं कि आज आप हमारा कुछ ऐसा केश विन्यास करें जो आपने आज से पहले कभी ना किया हो। जी भाईसा, आज हम अपना सर्वश्रेष्ठ साज श्रृंगार आपके लिए करेंगे। क्या सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार करेंगे आप हमारा? ये देखिए, इस चुन्नी का रंग देखिए, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ये पाजेब देखिए, इसमें तो घुंघरू ही नहीं है, ये छन छन कैसे करेगी? भाईसा, जालम जी ने दासियों को गाँव के हाट के मेले में जाने की अनुमति दे दी है। हमने सुना है वहाँ की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आप दोनों के लिए कोई सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मंगवा दें। नहीं, हमारे पास बहुत चूड़ियाँ हैं, हमें चूड़ियों की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। लेकिन हमें चाहिए चूड़ियाँ, और वो भी अलग अलग रंग की। जी भाईसा, हम दासी से कहकर आपके लिए अलग अलग रंगों की सुंदर सी चूड़ियाँ मंगवा देते हैं। अरे आपको क्या समझ है रंगों की चूड़ियों की? हम स्वयं चलेंगे हट के मेले। क्या आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यदि हम सचमुच कुंवर प्रताप होते तो संभवतः आप लोग हमें कच्चा ही चबा जाते। पर आपने ये नाम का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हमें लगता है कि हम भी उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जिनमें कुंवर प्रताप करते हैं, जैसे एकमात्र सूद भी अपने या अपने लोगों की धरती शत्रु को मत लेने दो, अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी कोई समझौता मत करो, फिर चाहे उसके लिए कोई भी मूल्य ही क्यों न चुकाना पड़े। यदि जियो तो बिना लालच के, और यदि मरो तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए। खोखली बात है ये सब। यदि कुंवर प्रताप ये सोचते हैं कि वो इन बड़ी बड़ी बातों से कुछ हासिल कर पाएंगे तो वो गलत है, क्योंकि दुनिया अकल से चलती है और उसे जीतने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक बनना पड़ता है। और जिस दिन कुंवर प्रताप का मुकाबला किसी चालाक दुश्मन से होगा, उन्हें ये बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और हम ये उम्मीद करते हैं जब तक उन्हें ये बात समझ में आए तब तक बहुत देर ना हो चुकी हो। चालाक से चालाक लोमड़ी शेर के सामने नहीं टिकती। जब भी उसका सामना जंगल के राजा के साथ होता है उसे तुम दबा कर भागना ही पड़ता है। प्रताप चाहे जैसा भी हो, जहां भी हो, पर एक बात पक्की है कि इस वक्त उसे हिचकियां बड़ी आ रही होगी, क्योंकि यहां दो दोस्त उसे लेकर आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे जन्मों के दुश्मन हो। सामने वाले को अपनी राय से सहमत करवाने की बुरी आदत है हमारी। हमारी किसी भी बात को दिल पे मत लेना दोस्त। यही अंतर होता है मित्रों और शत्रुओं के बीच। मित्र मतभेदों के उपरांत भी साथ साथ जी लेते, जबकि शत्रु इसी कारण एक दूसरे के प्राण ले लेते। जैसे भले इस समय हमारे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं, परंतु फिर भी हम आपके साथ गांव के हाट तक चलेंगे, क्योंकि आप वहां जाना चाहते हैं। वाह, दिल खुश कर दिया आपने। पर हमारी एक और बात मान लीजिए, और वो ये कि गांव की हाट तक हम घोड़े पे जाने के बजाय दौड़ के जाएंगे, क्योंकि आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें उतना ही आनंद आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती निभाने में। ठीक है, तो फिर हम दौड़ के चलते हैं। अजब दे, हमारे पास गांव के हाट मेले में जाने का मात्र यही एक उपाय है क्या? ओफो फूल, लिए मत। अच्छा ठीक है, हम नहीं लेंगे। पर आप हमें इतना तो बता दीजिए अजब दे, कि आप हमें कहीं अपने जैसा तो नहीं बना रही हैं? अरे हमारा मतलब है कि आज आपको अवसर मिला है ना, तब अवश्य अपने सारे बदले हम पर उतार रही होंगी। देखिए फूल,
तो बस इतना देख रहे हैं, जब आप गांव के हट मेले में जाएं, तो आपके दृष्टि पड़ने पर भी चालम से आपको नहीं पहचान पाए। अब ठीक लग रही हैं आप, मुड़ के देखिए। अजब दे, ये क्या कर दिया आपने? हमको राजकुमार से दासी बना दिया। ये क्या कर दिया अजब दे आपने? देखिए फूल, जब आप छुपके गांव के हट मेले में जाएंगी और कोई आपको पहचान ना पाए, इसलिए हमने आपका ऐसा वेश बनाया है। आगे आपकी इच्छा। हम तो अभी भी यही कहेंगे कि आप गांव के हट मेले में ना जाएं। और हमें चोरी छुपे जाना ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, हम आपकी सारी बात मानते हैं, पर अच्छा जी, हम अपना प्रिय झुमका तो पहन सकते हैं ना? नहीं फूल, आपके झुमकों के मूल्य में हमारा सारा खेमा आ जाएगा, सामान सहित। अजब दे, इन साधारण से कंगन को तो देखिए, इनमें तो कुछ है नहीं राजकुमारी वाला। साधारण कंगन ही आपके लिए, हमारे लिए तो विवाह में पहनने योग्य बहुमूल्य आभूषण है। चलिए ठीक है, आपकी ये बात ही माननी हमें, पर आपको भी ऐसी साधारण साधारण सा वेश बनाकर तैयार होकर दिखाना होगा हमें। नहीं नहीं, हम नहीं चल रहे आपके साथ चोरी छुपे। नहीं नहीं, आप नहीं चल रही हैं, हम आपको अपने साथ ले जा रहे हैं, और वो भी चोरी छुपे। नहीं फूल, अजब दे को तैयार किया जाए। नहीं फूल। रावत जी, कुंवर प्रताप को कड़ी सुरक्षा के साथ बिजुले ले जाने की तैयारियां करवाई जाए। हम नहीं जानते कि ये जलालुद्दीन यहाँ पर किस लिए आया है, किंतु कुंवर प्रताप कहाँ है और कहाँ जाने वाले हैं, इसकी उसे भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? जी राणा जी, और इस कार्य के लिए हमने पहले एक विशेष सैन्य टुकड़ी बिजोलिया की ओर रवाना कर दी है, और वो किसी भी समय बाऊजी राज प्रताप तक पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छे रावत जी, दौड़ आरंभ करें। हाँ हाँ करें। करे। तीन दो और आप उधर क्या देख रहे हैं? ऐसा क्या है उसके मुंह में? एक लड़की इतनी खूबसूरत जितनी की हमने आज तक कभी नहीं देखी। राजपूतों का खेमा है वो, कड़ा पर्दा रखते हैं राजपूत, आपने तो उनकी शक्ल देखी नहीं होगी। जितना सुना देखा काफी है होश उड़ाने के लिए। पर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा ना? कैसा? जैसा हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं, मानो हमारे दिलो दिमाग का एक एक हिस्सा चलते फिरते उठते बैठते लगातार एक ही बात महसूस कर रहा है कि हमें जिंदगी में बस वही चाहिए। ये वही चाहने वाली बात हमने कुछ ज्यादा कह दी, पर इसके अलावा हमने जो भी कुछ कहा वो एकदम सही है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? बताइए ना, बताइए। देखिए सुनिए, देखिए आप जो कुछ कह रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस हम इतना जानते हैं कि यदि इस समय हम गांव के हाट मेले के लिए नहीं चलेंगे तो आज वहां जाना हमें भूल जाना चाहिए। ठीक है चलते हैं। तीन दो एक। वापस निकल जाते। नहीं अजब दे, हम वापस तो नहीं लौटेंगे। आपकी नई योजना सोची, और वो भी शीघ्र।
ए दासी, राजकुमारी खेमे में ही है ना? जी जी हुकुम। जान रहे कि वो खेमे में ही रहे। जी। तुम दोनों आठ मेले में जा रही हो ना? राजकुमारी से पूछ लिया कहीं उनको कुछ चाहिए तो नहीं? ठीक है, जाओ। बस अब और नहीं दौड़ सकते हम भी नहीं। हाट यहाँ से बहुत दूर है। अजब दे, बस अब और नहीं चला जाएगा हमसे। तो एक काम करते हैं, वापस खेमे में लौट जाते हैं। हमने ऐसा कब कहा? हमको तो मेले से चूड़ियाँ चाहिए ही। अब क्या करें? अब यहीं रुक के किसी सवारी का इंतजार करते हैं। क्या इस सुनसान भीड़ में? मिल गई। समय से पहले ही खुश होने के लिए माफ करना दोस्त, बिना गाड़ी बांध के तो किसी काम की नहीं है ये गाड़ी। क्यों? हम जानते हैं ना इसे चलाना। आपको देख के तो ऐसा लगता है जैसे उम्र भर आपको किसी गाड़ी वान ने ही सवारी करवाई हो। सचमुच चला लोगे इसे? अरे रुकिए, हमारे लिए तो रुकिए। आपको देखते ऐसा लगता है जैसे आप दौड़ के पूरा रास्ता पार कर लिए। तो फिर देखते हैं कौन पहुंचता है सबसे पहले। बोल भाई साहब, अब हर चीज तो संभव नहीं है ना? क्यों संभव नहीं? जब आप हमारे साथ हैं तो कुछ असंभव नहीं हो सकता। वहाँ पे गाड़ी है उस ओर। अरे रुक जाइए रुक जाइए, आइए ये रुक जाइए, आप चिल्लाइए ना, रुकिए। हमारी तो वैसे ही आवाज नहीं निकलती, हम चिल्लाएंगे कैसे? हम नहीं चिल्लाएंगे। देखिए जब दे, यदि आज आप उस गाड़ी को रोकने के लिए नहीं चिल्लाई ना तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। नहीं ऐसा मत कहिए। तो फिर चिल्लाइए। रुकिए।